हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले स्टॉक के बारे में, जो आने वाले टाइम में आप लोग अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। स्टॉक अपने आप सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और हर एक वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को अपने ट्रैपिंग लेवल्स के बारे में बताया कि किस तरीके से अपने वीडियोज के अंदर जो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोज लेके आता हूँ उसके अंदर किस तरीके से ट्रैपिंग लेवल्स को प्लॉट करता हूँ, और वही से आप लोगों को एक स्पाइक देखने के लिए किस तरीके से मिलती है आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा। अगर मैं आप लोगों को प्रीवियसली बताऊँ तो हर एक वीडियो के अंदर मैंने अपने ट्रैपिंग लेवल्स को प्लॉट किया है दोस्तों, आप लोग जाके देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो JPM ऑटो का मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है, और स्टॉप अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के अराउंड है। अगर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताऊँ दोस्तों, तो ये जो ट्रैपिंग लेवल है 433 से लेके 424, ये पूरा एक सपोर्ट जोन है दोस्तों इसका, और इसके ऊपर इसने क्या किया है दोस्तों, क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। अगर बात करें तो 3 दिन के अंदर एक कैंडल क्लोज होने वाली है, और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में इसी लेवल के आसपास ही कहीं ना कहीं कैंडल क्लोज होगी, और आने वाले टाइम में इसी तरीके यही से एक अपर साइड के मोमेंटम स्टॉक दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर मुझे एक दोस्तों एक सेटअप मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में स्टॉक अपर साइड के मोमेंटम दिखा सकता है। आपको अगर इसका पूरा चार्ट दिखाऊं दोस्तों, तो आप लोगों को प्रीवियसली उसका पूरा एनालिसिस दिखाऊंगा, लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस पे इसका किस तरीके से बिहेवियर हो सकता है मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो ये मैंने आप लोगों को लेवल इंपॉर्टेंट दी थी 433, ये अपनी लेवल ट्रैपिंग लेवल होने वाली दोस्तों। किस तरीके से ट्रैपिंग लेवल मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पे इसने क्या किया है दोस्तों, सपोर्ट लिया, आप लोग देख सकते हो, एक पुल बैक लिया है, सपोर्ट लिया है, फिर अगर प्राइस यहां पे आया, इसने क्या किया है दोस्तों, यहां पे ब्रेकडाउन किया है वीकली कैंडल का, और नेक्स्ट इमीडिएटली प्राइस सपोर्ट्स के अंदर घुस के यही से एक्जैक्टली देख सकते हो किस तरीके से एक्जैक्टली इसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया और यहां से एक अपर साइड दिखा दी। अगर मैं अभी फिर से बात करूं तो यहां पे इसने क्या किया है दोस्तों, फिर से एक नीचे आया, फिर से बियर ट्रैप बुल ट्रैप किया, फिर से ऊपर घुस गई प्राइस, फिर अगर आप लोग देखोगे तो फिर से इसके नीचे कंसोलिडेट किया, और अभी अगर आप लोग देखोगे तो मुझे कहीं ना कहीं इस पे एक मॉर्निंग स्टार जैसा भी पैटर्न दिख रहा है। अगर आप लोगों को दिखता हूंगा दोस्तों, तो आप लोग चैनल के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के बताना कि यहाँ पे आप लोगों को मॉर्निंग स्टार दिखता है या नहीं है। तो अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पैटर्न मुझे देखने के लिए मिल रहा है, और वो है फ्लैग एंड पोल का पैटर्न। उसके अगेंस्ट में मुझे और एक पैटर्न इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया है, जो फ्लैग है इसका भी इसने क्या किया दोस्तों, एक वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट किया है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अगर आप लोग देखोगे तो वॉल्यूम इसके अंदर कितने स्पाइक बढ़िया है आप लोग देख सकते हो। अभी अगर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट एक पैटर्न की बात करूं, तो इंपॉर्टेंट पैटर्न इसके अंदर मुझे एक देखने के लिए मिल रहा है, मैं आप लोगों को वो ड्रॉ करके बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो ये इसका एक हेड है दोस्तों, शोल्डर, उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक हेड दिखता होगा, उसके बाद में यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसका राइट शोल्डर। अगर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट नेकलाइन की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप लोग इसका एडजस्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मुझे इसके अंदर एक आने वाले टाइम में अपसाइड दिख रही है दोस्तों, मैं आप लोगों को हर एक चीज डिटेल के अंदर बताता हूँ। या अगर आप लोग देखोगे तो पूरा एक रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों, इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ अगर आप लोगों को पैटर्न क्लियरली विजिबल नहीं होता होगा तो। और अगर आप लोगों को एक सेकंड, यहाँ पे इसने क्या किया था दोस्तों, एक बुल ट्रैप किया था, ओके। यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट नेकलाइन की बात करें तो इंपॉर्टेंट नेकलाइन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट नेकलाइन वाला पूरा एक जोन निकल के आ रहा है दोस्तों, और इसके ऊपर इसने क्या किया है, क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है, और एक पुल बैक देते हुए एक अपर साइड की मोमेंटम भी कर रहा है। अगर मैं इसको आप लोगों को प्रोजेक्ट करके दिखाऊं तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, आने वाले टाइम में जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है ये 595 से 595 वाला एरिया, और उसके बाद में डायरेक्ट इसके पास सिर्फ और सिर्फ ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये स्टॉक जा सकता है। अगर मैं अभी करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा पुल बैक अगर अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर मिलेगा तो अपन उसको उसके अंदर एज एन एक स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होता हुआ दिख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट इनिशियली अपना यही लेवल के पास हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैं इसको आने वाले टाइम में ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट 630 वाला लेवल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक ना एक 630 लेवल के आसपास जाते हुए आप लोगों को दिख सकता है। अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे मुझे और एक हर्डल दिख रहा है इसके अंदर, वो हर्डल है दोस्तों ये वाला, ये इसका एक हर्डल इंपॉर्टेंट पूरा एक जोन होने वाला है जहाँ पे स्टॉक फिर से एक स्टॉप ले सकता है। मैं आप लोगों को हर एक चीज बताऊंगा, आप लोगों को जिसके पास ये स्टॉक होल्डिंग में है ना दोस्तों, मैं उसको भी बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को ट्रेलिंग एसएल रखना है इसके अंदर। अभी करंट मार्केट प्राइस पे बात करें तो इसी लेवल के आसपास हमारी एंट्री का प्लान कर रहे हैं दोस्तों, और टारगेट 1 की बात करें तो यहाँ पे अपन टारगेट 1 प्लस का प्लान करने का देख रहे हैं अपन, और उसके बाद में अगर टारगेट 2 की बात करें तो यहाँ तक का टारगेट अपन लोग इसके अंदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं टारगेट 2, ओके। और एसएल की बात करें तो एसएल वो छोटा, इसके अंदर अपने रिस्क और रिवॉर्ड के फेवरेबल में ही ये वाला ट्रेड मुझे लग रहा है। और अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास है, और वो भी वहां से घूमने के मूड के अंदर मुझे लग रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे से मुझे लग रहा है कि ये बुलिश मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है आप लोगों को। नियर बाई ये जो टारगेट्स मैं दे रहा हूँ वहां तक तो ये स्टॉक जाने की कैपेसिटी रखता है। अगर मैं आप लोगों को इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स निकाल के दिखाऊँ तो मैं आप लोगों को हर एक चीज दिखाऊंगा। इसके अंदर एंट्री की बात करें तो 450 के अराउंड अपन एंट्री का प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा पुल बैक अगर इसी लेवल के आसपास 450 या 470 के रेंज के बीच में अगर ये स्टॉक मिलता है ना आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट इसका रहने वाला है 529, सेकंड टारगेट इसका रहने वाला है फाइनल जो है मैंने लगाया है 629। और एसएल की बात करें तो एसएल बहुत छोटा है दोस्तों, और अगर आरआर की बात करें तो आरआर का 1.32 1.1:3.42 मतलब 1:1
3-4 के आसपास का अपना आरआर बैठ रहा है, उसका ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक यहाँ से अच्छी खासी अपर साइड की मोमेंटम दिखा सकता है। दोस्तों स्टॉक के बारे में वीडियो डिटेल में बता दिया आपको, हर एक चीज के अंदर एनालिसिस आपको नेगेटिव चार्ट के ऊपर करके मैंने बता दिए। अगर प्रीवियस वीडियोस की बात करें तो प्रीवियस में कंटिन्यू अपने स्टॉक की वीडियो जो है अपलोड करता हूँ। आज के मैंने 4 स्टॉक दिए थे, उसमें से 3 स्टॉक ने अपना टारगेट हिट किया है दोस्तों, और बाटा इंडिया ने कॉस्ट टू कॉस्ट है, लेकिन उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल या परसों के दिन 2 दिन के अंदर बाटा इंडिया भी अपने को टारगेट दे देगा। आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखी है तो जाके देख सकते हो, हर एक चीज आप लोगों को नेगेटिव चार्ट के ऊपर प्लॉट करके सिखाता हूँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक चीज आप लोग सीख सकते हो, समझ सकते हो, सिर्फ आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर एक वीडियो जो मैं रोज अपलोड कर रहा हूँ उसको देखना है, सीखना है। अगर आप लोग इतनी प्रोसेस फॉलो करोगे ना दोस्तों, मैं आप लोगों को चैलेंज के साथ बताता हूँ, आप लोग एक चैंपियन बनोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।